टू माई चैनल हिंदी डायलॉग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आज सारा दिन आपको लेकर, आपके साथ को लेकर चलता रहा। तो ये चीज़ें आज मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा। एंड दूसरी चीज़ कि रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। रीडिंग जो होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर बात आपसे मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपसे जितनी भी बात मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो भी है वो मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी देख सकता है, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज सारा दिन ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आज सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही। तो यहाँ पे आपका आया है अवेकनिंग, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ट्रैफिक कोन, रेनबो, फैंस, हार्ट, सनफ्लावर एंड बॉटम है आपका इन्फिनिटी। तो देखिए व्यूअर, सबसे पहले राशियां डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका कैंसर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया। उसके अलग आपका ये पाइसेस है, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे राशियाँ दिखाई दी हैं। हालांकि अभी कार्ड्स और निकाले जाएंगे तो डिस्कस करा जाएगा कि और कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशियाँ हैं। यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स मुझे नंबर 12 यानी कि दिसंबर मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 6 यानी कि जून मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे अच्छे वे में या बुरे वे में। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह से ये नंबर या ये मंथ आपसे रिलेट करता है। अब सवाल पर आते हैं कि सारा दिन ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना बेसिकली एक्शन लेने के बारे में तो सोचते रहे हैं विद दिस सनफ्लावर कार्ड, यानी कि अपनी ज़िंदगी में खुशियां कैसे लेकर आई जाए, खुशियों के लिए क्या वर्क करा जाए, कहाँ मूव करा जाए। तो ये पर्सन ना आज सारा दिन अपनी खुशियों को लेकर जो इनकी साइड से एक्शन बनते हैं, जो इनकी साइड से मेहनत बनती है, मूवमेंट्स बनते हैं ना, तो ये पर्सन आज हो ना हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी रहे और काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी रहे हैं। एज एन अगर ये एक्शन लेंगे, अगर ये आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो ये चाहते हैं, जहाँ पर इन्हें सक्सेस मिलनी है, जहाँ पर इन्हें बैलेंस मिलना है। तो ये तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन एक्शन लेने के मोड में रहे हैं। और इवन मुझे ये भी दिख रहा है ये जो एक्शन लेने का मोड इस पर्सन का रहा वो अपने पास्ट के पर्सन को लेकर रहा। एज एन ये जो भी एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे, ये हो ना हो आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता रहा है ना उसको लेकर रहा है, जिसका एक पास्ट ऑलरेडी बन गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं, या आपका जो भी कनेक्शन है वो काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी वक्त आप दोनों को एक दूसरे के साथ
हो गया है। तो ये चीज़ तो मुझे अच्छी दिख रही है कि ये पर्सन ना आज सारा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी में रहे, एक एक्शन लेने के मोड में रहे और एक्शन और मूवमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहे। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन अपने आप को सेफ करके चल रहे हैं। मतलब जैसे कि होता है कि ये पर्सन अपने चारों तरफ वो बाउंड्रीज लेकर चल रहे हैं, वो सावधानी ये पर्सन बरत रहे हैं या उसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं कि भाई अगर कोई बात आती है ना लौट कर। साथ में ना ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करके भी चलना चाह रहे हैं, मतलब ये खुलकर आपके सामने नहीं आना चाह रहे हैं या खुलकर आपके सामने ना आया जाए और यहाँ पर एक्शन भी ले लिया जाए। तो ये पर्सन ना आज सारा दिन उस विषय पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहे हैं। यहाँ पर गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन हाँ एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी प्यार है, जो भी रिश्ता है आप दोनों के बीच में, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं, मतलब एक्शन लेने के मोड पे डेफिनेटली पर्सन रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन पैशनेट भी रहे हैं कि हाँ इन्हें इसी रिश्ते में रहना है, आप ही के साथ रहना है और इसी को लेकर ये पर्सन सारा दिन फोकस्ड भी बनाए रखे अपना। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन अब जो भी करना चाहते हैं ना पर्दे के पीछे करना चाहते हैं, या खुद सामने से आकर ये ना तो आपको ऑफर देना चाह रहे हैं ना सामने से आकर खुद आपसे अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करने के मोड में हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिस चीज़ ने ना इस पर्सन को एक्शन लेने के लिए या आपके सामने खुलकर आने को लेकर एकदम नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इशू है जिसने आपके पर्सन को यहाँ पर ना डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए पूरी तरह से रोक रखा है, इनके भरोसे को पूरी तरह से अपने काबू में रख रखा है और इन्हें पास्ट, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट हुआ है ना वो इन्हें भूलने नहीं दिया जा रहा है इस थर्ड पार्टी के थ्रू। तो ऐसा भी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर अच्छी खासी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है और ये पर्सन आपके लिए इन्फिनिटी वाला प्यार करने के बावजूद भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी लंबे समय से नेगेटिव भी रहे हैं। लेकिन गुड थिंग इज़ कि सारा दिन ये पर्सन ना एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन जो एक्शन भी लेना चाह रहे हैं ना या जिसके बारे में ये सोच विचार करते रहे, तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये उसी वे में इनकी तरफ से आपके पास एक्शन आए, उसी वे में ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम्स लगाकर आपकी तरफ आए एज इन कि आपकी साइड से क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या खामियाँ हुई, कैसे इस रिश्ते का ब्रेकअप हुआ, कैसे इस रिश्ते का भरोसा टूटा। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन ये सवालों के साथ है, मतलब इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शिकायतें हैं और ये उन शिकायतों को, सवालों को पहले क्लियर करना चाह रहे हैं। उनको लेकर जो इनके मन में आपके लिए जो भरोसा था वो टूट गया है तो पहले ये उस भरोसे को वापस से गेन करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि देखो आप लोगों के बीच में हो ना हो गलत फहमियाँ, ट्रस्ट इशू, थर्ड पार्टी तो है जो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला चुकी है, फैला रही है और यही रीज़न है कि ये पर्सन खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें सारा दिन चली। अगर ये आपके सामने खुलकर आते हैं ना तो आपकी तरफ से इन्हें पता नहीं भाई क्या इस एक्शन का रिएक्शन मिले। हो सकता है जिस चीज़ पर इन्हें आप पर भरोसा नहीं हो रहा या जो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हैं वो सही साबित हो जाएं, या ये इस एनर्जी में रहे, सोच में रहे कि ये वापस से हर्ट नहीं होना चाहते। इन्होंने बहुत वक्त ले लिया है अपने आप को हील करने में, इन्होंने बहुत वक्त ले लिया है अपने आप को संभालने में और अब ये नहीं चाहते हैं दोबारा से हर्ट होना, दोबारा से दर्द को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। तो देखो व्यूअर्स यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ डाल रही है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रही है, या ये पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर किसी ऐसे रिश्ते से निकल रहे हैं जहाँ पर इन्हें बहुत दर्द मिला है, बहुत टॉक्सिसिटी मिली है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज, बहुत गलत फहमियाँ वहाँ पर हुई है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको
लेकर पॉजिटिव होना चाह रहे हैं ना, उतना ये हो नहीं पा रहे, अपने आप को कर नहीं पा रहे, या जितने पैशन से, जितने कॉन्फिडेंस से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेकर आना चाह रहे हैं, ये उतना एक्शंस लेकर आने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा रहे हैं, या उतना ज़्यादा ये नहीं जुटाना चाहते हैं, ठीक है। बजाय ऐसा करने के ये पर्सन इस एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि अगर इन्हें थोड़ा सा भी यहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें इनकी तरफ गलत वे में आ रही हैं, तो ये इस रिश्ते को फिर सरेंडर कर देंगे, इस रिश्ते को ये समय के, वक्त के हाथों पे सौंप देंगे, मतलब सरेंडर कर देंगे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है व्यूअर्स कि देखो, ये पर्सन डेफिनेटली अपना पोटेंशियल, अपना प्यार, अपना डिवोशन इस रिश्ते में दिखाने की वजह से, अपनी साइड से पहल करने के बारे में आज सारा दिन सोच तो रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी में कि मैं वापस से अब इस दर्द से, इस डिस्ट्रप्शन से, इस टावर मोमेंट से गुजर कर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। अगर चीज़ें स्मूथली होती हैं, अगर यहाँ पर सभी चीज़ें इन्हें लगता है कि हाँ सही हैं, इनका दिल अब टूटेगा नहीं या ये वापस से हर्ट नहीं होंगे, तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते में एक पहल करेंगे, अपनी तरफ से इस रिश्ते को समय देंगे, इस रिश्ते को मौका देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस रिश्ते में थोड़ी बहुत भी चीज़ें इन्हें ऐसी लगी जो जिससे इन्हें लगा कि इनकी ज़िंदगी में अगेन इनका फोकस नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या अगेन ये पर्सन ना उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में, उसी छुपाव में फंस कर रह गए हैं ना, तो ये डेफिनेटली रिश्ते को सरेंडर कर देंगे। तो ऐसा दिख रहा है जैसे सारा दिन इस पर्सन की ये एनर्जी रही, जैसे आर हो या पार, दोनों के लिए ये तैयार कर रहे हैं अपने आप को, अब फिर ये एक्शन लेना चाहते हैं, फिर ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। पहले अपने आप को मेंटली और इमोशनली दोनों तौर पर ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस एनर्जी में मुझे ये पर्सन सारा दिन जैसे रहे हों, ये यहाँ पर दिख रहा है। टैरो से और देखते हैं तो और आइडिया होगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस सोच में रहे, क्या महसूस करते रहे व्यूअर्स को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए द टावर, एरीज़ की एनर्जी है ये, आपके पार्टनर या आप में से कोई भी यहाँ पर एरीज़ हो सकता है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ना आप दोनों के रिश्ते में या तो एक टावर मोमेंट ऑलरेडी होकर जा चुका है, ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है जिसमें आप दोनों हो ना हो यहाँ पर अपने सपनों की दुनिया से एकदम से तुरंत से नीचे आकर गिरे हो। दूसरी वजह मुझे ये दिख रही है कि ऑलरेडी ये पर्सन एक रिश्ते से दर्द, तकलीफ और पेन जो है वो रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना सारा दिन उस सोच में रहे कि अब ये इस टावर मोमेंट से, इस डिस्ट्रप्शन से गुजर कर नहीं जाना चाहते हैं, अब उस पेन से, तकलीफ से इन्हें नहीं गुजरना है, और अब इन्हें ना अपनी ज़िंदगी के जो भी फैसले लेने हैं, चाहे वो आपको लेकर हो या किसी और को लेकर हो या कुछ और भी हो ना, तो ये बहुत ध्यान से, बहुत कॉशन से, बहुत प्रिकॉशन से ये पर्सन ना वो फैसले लेंगे, ठीक है। और अगर इन्हें ये लगता है, ज़रा सा भी इन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर इनकी चीज़ें ना वैसे ही होंगी, या फिर थोड़ा बहुत भी इन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ भी सुधार नहीं आया, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो ये तुरंत सरेंडर कर देंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, पहली चीज़ तो ये पर्सन अपने पास्ट को, जो आपके साथ बीता है या किसी और के साथ बीता है, अपने पास्ट को एक्सपीरियंस बनाकर अपनी ज़िंदगी का ये पर्सन अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उस पास्ट को भुलाना नहीं चाह रहे हैं, उस पास्ट को अपना ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मानकर उस एक्सपीरियंस को ये पर्सन अब हर एक रिश्ते में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यही चाहे इनका आपके साथ रिश्ता हो, उसमें भी इवन ये अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के बारे में आज सारा दिन सोचते रहे कि कैसे ये उस पास्ट को अब करंट में सुधार सकते हैं, अगर इनसे जो जो गलतियां हुई हैं, जिससे इन्हें ठेस पहुंची है, जिससे इन्हें चोट पहुंची है, ये कैसे उससे अपने आप को आगे के लिए बचा कर चलेंगे, ठीक है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या सोच बनी रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए
पेज ऑफ वैंड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना बेसिकली आज सारा दिन इस सोच में भी रहे कि ये इनकी ज़िंदगी का वो स्टेप है, अपने फ्यूचर को लेकर इनका वो कदम है जो शायद आज अभी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन कल जाकर इस एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर, उस चीज़ के लिए ये पर्सन आज सारा दिन होपफुल रहे। मतलब इनके दिल में ये चीज़ें चली कि हाँ आज भले ये जो एक्शन है, ये सोच है, ये सभी चीज़ें छोटी दिखाई दे रही होंगी, ये सभी चीज़ें दिखने ना दिखने के बराबर लग रही होंगी, लेकिन जिस दिन इस पर वर्क होगा, जिस दिन इसके रिगार्ड कोई मेन कोई चीज़ पूरी होगी ना, तो यही चीज़ें बहुत बड़ी भी दिखाई देंगी। तो ये पर्सन सारा दिन ना अपने एक्शन को लेकर, अपने मूवमेंट को लेकर हो ना हो होपफुल रहे हैं कि मेरी ये आज मेरी ज़िंदगी का ये पहला कदम हो ना हो मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो उस तरह की चीज़ों को लेकर ये पर्सन आज सारा दिन होपफुल भी रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। एट ऑफ वैंड्स, भाई एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग में मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है व्यूअर्स, हो ना हो आज सारा दिन ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने एक्शन को लेकर पैशनेट तो रहे हैं, मतलब कुछ कर दिखाना है, अब कुछ करना है, अब बैठे नहीं रहना है। तो वो चीज़ें इनकी मुझे एनर्जीज में यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं। देखिए व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आज सारा दिन हो ना हो आपसे कैसे बात करी जाए, कैसे शुरुआत करी जाए, कैसे इस रिश्ते में वो पैशन लेकर आया जाए जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे बुझ गया था, ख़त्म हो गया था। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आज सारा दिन सोच विचार तो करते रहे, एज एन पहले आपसे किस तरह से बात करेंगे ये सभी चीज़ों के बाद, इस डिस्ट्रप्शन के बाद। ठीक है, तो पहले तो जैसे एक होता है ना कि स्क्रिप्ट बनाई जाती है कि भाई कैसे शुरू करी जाए, क्या बात करी जाए, तो उस सोच विचार में रहे। और साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपसे कुछ ऐसे कहना चाहते हैं जिससे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, एज एन आपसे कुछ इस वे में बात करने के बारे में सोचते रहे जिससे आपको ये आइडिया भी ना हो कि भाई ये पर्सन अभी भी आपके लिए पैशनेट हैं, अभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में वापसी करना चाहते हैं या इस पास्ट को अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आना चाहते हैं, और तो ये आप तक पहुँचे भी ना और साथ में आपसे ये बात भी कर पाए। तो मैंने आपको बोला ना एक्शन लेना है, बात करनी है, लेकिन बाउंड्रीज बनाकर, अपने एक दायरे में रहकर। ठीक है, कि ना तो ये उस खुद उस दायरे से बाहर जाएं और ना आप उस दायरे को क्रॉस कर पाओ। तो उस तरह की जैसे स्क्रिप्ट टाइप की जो होती है ना, तो उस वे में ये पर्सन आज सारा दिन सोचते रहे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा मूवमेंट चाहिए, बात है करनी है, लेकिन अपने आप को कवर कर रखा है, चाहे फिर ये जो कवर कर रखा है वो काफ़ी लोगों के थ्रू कर रखा हो, एज एन कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस कि वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो एक्सक्यूजेस के साथ जैसे ये पर्सन आपसे बात करने की इच्छा रख रहे हैं, ये उसके मामले में आज सारा दिन बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या सोच रही, क्या महसूस करते रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स, नंबर एट आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है व्यूअर्स, यानी कि आपका हो गया अगस्त मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये है आपका जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुलायन कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, इस पर्सन के दिल में हो ना हो ये चीज़ें हैं कि इनका दिल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा
छल्ली छल्ली हो गया है, या इन्हें ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टकनेस मिली है। इस रिश्ते में एक वक्त एक मुकाम इनका ऐसा आया जहाँ पर ये पूरी तरह से पावरलेस हो गए, होपलेस हो गए, हेल्पलेस हो गए, मतलब डर ही डर इनके चारों तरफ एक वक्त पे रहा। और इस डर के पीछे की वजह ये थी कि ये इस रिश्ते को या अपने हालातों को इमोशनली लेवल पर देखने लगे थे। जितना ज़्यादा दिल से इन चीज़ों को देखने लगे थे, सोचने लगे थे, उतनी ज़्यादा इन्हें एक्चुअली में इस रिश्ते को खोने की, इस रिश्ते के दूर जाने की या खुद इस रिश्ते से दूर जाने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब ये पर्सन ना उस सोच में रहे कि अब इन्हें इमोशनली होकर कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ये चीज़ें इन्हें कहाँ लेकर गई, किस तरह से लेकर गई ये जानते हैं। अब ये उस सोच में रहे कि अब मुझे जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है ना, बिल्कुल बिना डरे और बिना इमोशनली हुए मुझे लेना है, ताकि मैं ना फिर से उसी जगह पर आकर गिरूँ ना जिस जगह से मैं अभी उठा हूँ या उठी हूँ। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में, इनके मन में आज सारा दिन चलती रही हैं। मतलब आपका साथ चाहिए इन्हें, लेकिन ये पर्सन अब दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते। चाहे ये जो हर्ट हुए हो ना, ये अपनी ही सोच की वजह से हुए हों या फिर किसी और की वजह से हुए हो, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन अब बहुत फूक फूक कर कदम डेफिनेटली रखना चाह रहे हैं, ये तो यहाँ पर है। और ये एट ऑफ सोर्ट्स ने इस चीज़ को ना और क्लियर कर दिया। और मैं आपको अगर ओवरऑल रीडिंग बोलूँ ना, तो हाँ, ये पर्सन ना बहुत डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। मतलब अपने आप को बिल्कुल भी ये पर्सन अब हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर है। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, क्या कुछ इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आज सारा दिन चलता रहा, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द सन, सन को सन ने ही क्लैरिफाई करा है, ठीक है, सन फ्लावर हो गया। और बॉटम है आपका द लवर्स, ठीक है। तो जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग है एंड लियो है, तो चांसेस हैं आप में से कुछ लोग जेमिनाई एंड लियो इस तरह से कपल हो सकते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना सारा दिन हो ना हो जो अपनी खुशियां देख रहे हैं ना, वो देख आप में रहे हैं, आपके साथ में देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो पास्ट इनका आपके साथ होकर गुजरा है ना, ये उसमें देख रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है ना, ये पर्सन ऑलरेडी एक चोट खा चुके हैं, ऑलरेडी ये हर्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी ये पर्सन एक टॉक्सिसिटी में, एक नेगेटिविटी में जा चुके हैं। तो अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुशियों को देखने के साथ साथ उस अंधेरेपन को भी देख रहे हैं, सारा दिन भी देखते रहे, जिससे ये बाहर निकले हैं, जिससे इन्होंने अपने आप को जैसे तैसे बाहर निकाला है। तो ये पर्सन ना इसी रीज़न की वजह से बहुत वरीड भी रहे अपने एक्शन को लेकर, या जो ये पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने को लेकर, उसके लिए भी ये पर्सन ना आज सारा दिन बहुत ज़्यादा वरीड रहे हैं। इन्हें ये सूरज दिख तो रहा है, लेकिन इन्हें इस चीज़ की घबराहट दिन भर रही कि क्या ये जो सूरज अब उगेगा वो इनकी ज़िंदगी में रोशनी लाएगा, या फिर ये फिर से अपनी लाइफ में बिना रोशनी के, बिना खुशियों के रह जाएंगे। तो इस तरह की नेगेटिविटी भी इस पर्सन के मन में, इनके दिल में रही, या ये कह सकते हो ये डर इनके मन में बैक ऑफ द माइंड चलता रहा। यहाँ पर विद दिस द लवर्स कार्ड, देखो इस पर्सन को प्यार में चोट मिली है, चाहे ये प्यार इनका आपके साथ हो या फिर पहले इन्होंने किसी और से प्यार करा है। लव लाइफ में इस पर्सन को चोट मिली है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन लव लाइफ में वापस से कम बैक करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। मतलब चाहे वो आपके साथ हो या किसी और के साथ ही क्यों ना हो, जैसे कि इस पर्सन का प्यार से भरोसा टूट गया है। इनके दिल में इवन ये चीज़ें सारा दिन रही कि चलो ये अब अपनी लव लाइफ में पहला कदम रख रहे हैं, पहल कर रहे हैं, पता नहीं आपकी तरफ से अब इन्हें वो एक्शन, वो रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ का भी डर इस पर्सन के मन में आज सारा दिन चला। एज एन होता है ना कि वो प्यार करती है अब या नहीं करता है, ऑफर एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगा, तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को आज सारा दिन जैसे कि बेचैन करती रही हूँ या इनके माइंड में चलती रही हूँ। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन आज सारा दिन। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे आज, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए।
आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये पर्सन ना आपसे कहना चाह रहे थे कि अब आपको ये इतना ज़्यादा याद करते हैं कि रातों रातों सो नहीं पाते, रातों रातों ये पर्सन बस करवट बदलते रहते हैं। नो वन कम्पेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। आपसे ये कहना चाह रहे थे आज सारा दिन, जैसे कि देखो ये तो जान गए हैं कि तुम्हारा कंपैरिजन ना कोई भी नहीं कर सकता। अगर इन्होंने कभी कंपैरिजन करने की भूल करी है ना, तो वो इनकी सबसे बड़ी भूल थी। और जितना ज़्यादा इन्होंने आपसे बेहतर इंसान ढूंढने की या आप जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करी है ना, उतना ही इन्हें निराशा मिली है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे आज सारा दिन, और यही रीज़न है ये इसी रिश्ते में कम बैक करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी एक चोट खा चुके हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर वरीड रहे। आई एम डाइंग टू हीयर योर वॉइस, आपसे कहना चाह रहे थे क्योंकि देखो बात करने की इच्छा है, लेकिन किस तरह से शुरुआत करें आपसे बात करने की। तो कहना चाह रहे थे कि ये ना मरे जा रहे हैं आपसे, आपकी आवाज़ सुनने को लेकर, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत वक्त हो गया हो आप दोनों को एक दूसरे से बात करे बिना। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन सारा दिन जो मन में भी रहा कि भाई ये ना आपके प्यार में गिरे जा रहे हैं, मतलब इन्हें ना आप ही का प्यार चाहिए, इन्हें समझ में आ तो रहा है प्यार की वैल्यू, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ना फीलिंग्स तो भाई अभी भी है आपके लिए, जिंदा है वो फीलिंग्स, मरी नहीं है, आपसे ये कहना चाह रहे थे। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ लव, बस अब प्यार से डर लगता है, जैसे वो है ना एक डायलॉग कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो कुछ वैसे ही मुझे हालात, एनर्जी, सोच इस पर्सन की आज सारा दिन की दिखाई दी है। अब मेन सवाल यहाँ पर ये देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, भाई देखो चांसेस तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी कार्मिक आप दोनों को ना मिलाएगी, एज एन यहाँ पे आप दोनों की जो साइकिल है ना वो आप दोनों को मिलाएगी। तो मुझे यहाँ पे चांसेस तो दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी पेज की एनर्जी में आया है, मतलब ये पर्सन जो शुरुआत करेंगे वो सॉलिड नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे टाला मटोली टाइप का, या श्योर नहीं है, या ऐसा इवन लगेगा भी नहीं आपको कि ये पर्सन आपसे एक्चुअली में एक दूसरा चांस मांगना चाह रहे हैं, दूसरा मौका आपको देना या आपसे मांगना चाह रहे हैं, तो आपको इवन ये भी नहीं लगेगा, ये भी आइडिया नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने के मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। समय मुझे 10 से लेकर 11 दिन के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि उतने टाइम में हो सकता है अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लें, अपनी बात जो आपसे कहनी है, अपने एक्सक्यूजेस जो हैं जो इन्हें रखने हैं तो वो तैयार कर लें। तो 10 से लेकर 11 दिन के मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आज सारा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर चला। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।